अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ जो कि स्पीकिंग ट्री से सोर्स्ड है और टाइटल है आई डोंट गेट इट आइए रीडिंग शुरू करी जाए इसकी ऑल थ्रू लाइफ यू आर ऑलवेज डिजायरिंग समथिंग विच वी डोंट हैव देर इज नो डे आर नो मोमेंट वेन वी डोंट वॉन्ट समथिंग वी डोंट हैव वी स्ट्राइव टू मेक एवरी मोमेंट एवरी डे मंथ और ईयर बेटर देन वॉट इट इज Our goals, our targets, our purpose, our happiness, everything starts with a desire, a desire for something better, something different, and there is nothing wrong in that. That is how we humans have been programmed to be. Our entire evolution and progress depend on having a desire which we then try and fulfill in the best and easiest way possible. सो आई डोंट थिंक देर इज एनी डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस पैराग्राफ पहली स्लाइड आपको आसानी से समझ आ रही है कहीं पर कोई मुश्किल नहीं है कि भाई पूरी जिंदगी हम सब बस यू you नो know, ये डिजायर करते हैं जो हमारे पास न हो वो पाने का देर इज़ नो डे आर नो मोमेंट वेन वी डोंट वॉन्ट समथिंग वी डोंट है तो वो इच्छा है चाहत है डिजायर है वो चलती रहती है विच ट्राइव टू मेक एवरी मोमेंट एवरी डे मंथ यूर बेटर दैन वॉट इट इज़ कि भाई आने वाला कल पिछले कल से बेहतर हो हमारे लक्ष्य टारगेट्स पर्पज सब डिज़ायर से ही शुरू होते हैं तो सिंपल शब्दों में लिखा है इसमें कोई दिक्कत है नहीं और हमारा पूरा जो इवोल्यूशन है और प्रोग्रेस है वो हैविंग अ डिज़ायर के ऊपर ही डिपेंड करता है अगर किसी इंसान ने ये अच्छा नहीं की होती कि और बेहतर करें तो इतनी चीज़ें जो इन्वेंट हुई जिंदगी हमारी आगे बढ़ी या आज हमारी लिविंग इतनी कंफर्टेबल है तो वो बिना डिजायर के तो पॉसिबल हुआ नहीं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका हाउ एवर मोर ऑफन देन नॉट देखो ये एक बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन है मोर ऑफन देन नॉट का सिंपल सा मतलब होता है जनरली ठीक है ध्यान में रखिए हो सकता है कहीं ना कहीं आपको रीडिंग में लिसनिंग में मिले ये तो हाउ एवर मोर ऑफन देन नॉट यानी जनरली वी सी दैट वॉट वी डिजायर और वॉट वी वॉन्ट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल Or we get things we want when they are no longer relevant. So many of us in our youth wanted more money, a bigger house, a better car, or more travel. We struggled hard but were never satisfied. And eventually, when we did get those things, maybe at the age of 50 or 60 or 70, they are much less important or relevant to us.

Uh, क्योंकि उसके लिए शायद समय नहीं था या पैसे नहीं थे और जब समय और पैसा दोनों हैं तब आप उस चाहत को पूरे करने के हालत में नहीं है वही यहाँ पे लिखा है या तो आप बीमार हैं शरीर साथ नहीं दे रहा या जिनके साथ आप वो चीज़ें एक समय सेलिब्रेट करना चाहते थे वो भी नहीं रहे आपके साथ तो अब समय और पैसा तो है जीवन के उत्तरार्थ में लैटर पार्ट में जो जिस एज ग्रुप की यहाँ पर बात भी हो रही है कि फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी में आ भी गया तो फिर क्या ही चाहते है अब हम खुद अपनी जिंदगी में देख लें कि ज़िंदगी में जब हम छोटे थे तो जो अपनी लाइफ से चाहते थे कि नहीं आई वॉन्ट टू बिकम दिस आई वॉन्ट टू डू दिस क्या हम वही कर रहे हैं क्या नहीं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती हैं तो शायद उस समय जो चीज़ बड़ी आकर्षित किया करती होगी आ, वो अब नहीं करेगी राइट तो उसी की बात है कि अब मिल तो रहा है या आप ले सकते हैं बट अब उस चीज़ की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में जो है वो नहीं है तो आज का आसान है मतलब आप आसानी से समझ सकते हो इन ऑर्डर टू गेट वॉट वी डिजायर इमीडिएटली अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग प्लानिंग हार्ड वर्क एटसेट्रा ऑन अ हायर लेवल वॉट वी रियली नीड इज टू बी अ वाइब्रेशनल मैच फॉर थिंग और सिचुएशन और इवेंट अब थोड़ी सी लाइन थोड़ी आपकी भारी सी हुई है कह रहा है इन ऑर्डर टू गेट वॉट वी डिजायर इमीडिएटली अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग प्लानिंग हार्ड वर्क एटसेट्रा ऑन अ हायर लेवल वॉट वी रियली नीड इज टू बी अ वाइब्रेशनल मैच फॉर दैट थिंग और सिचुएशन और इवेंट we live in a vibrational universe and everything is energy every vibration attracts more of its own kind unless we change our vibrations poverty attracts more poverty ill health attracts more ill health and poor relationships attract more of the same and the first and the foremost step to stabilizing and increasing our vibrations so that we become a vibrational match for, our, for the thing or person or healing that we desire is total unconditional acceptance अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ दॉट इज और नाउ इज द्राउंड जीरोप्टेंस इज नई है आंसर एक बड़ा प्यारा शब्द आया है यहां पर मैनिफेस्टेशन जो कि कॉफीविदकरण के पिछले कुछ सीजन में बहुत निकल गया कॉफीविथकरण में करण जोहर ये कहते रहे कि जो मेरा काउच है ना दिस इज काउच ऑफ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे विक्की कौशल ने कहा कि जी उन्हें कटरीना कैफ पसंद है उनकी शादी हो गई यू नो तो कहने का मतलब आप जो अपनी चीज़ अपने लिए डिज़ायर कर रहे हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है वो सही मायने में रियलाइज हो जाती है तो यहाँ पे देखो वाइब्रेशन और एनर्जी की बात हो रही है कि हमें जो कुछ चाहिए ना तुरंत तो उसके बारे में सोचने प्लान करने हार्ड वर्क ये सब करने के बजाय हायर लेवल पर हमें जो ज़रूरत है वो क्या है कि एक वाइब्रेशनल मैच आप उसके लिए पैदा करें जिसके लिए हम संगति की बात भी करते हैं कि आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं उस तरह की आपकी संगति होनी चाहिए इवन क्लासेस में भी मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ तो आपके मुलाकात घंटे सवा घंटे जो कोर्स का टाइम है क्लास का टाइम है उसी समय होगा बाकी के बीस बाईस घंटे आपके पास हैं अब उन बीस बाईस घंटों में आप अपने आप को क्या खुराक देते हैं वो खुराक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको शेप करने में आप क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं क्या देखते हैं किन तरह के लोगों का आपका सर्कल है वो किस तरह की खुराक आपको देते हैं उसका बहुत योगदान होगा आपको गढ़ने में और आपको बनाने में तो वो च्वाइस हमारी होनी चाहिए कि भाई मैं कहाँ पर अपने जीवन को लीड करना चाहता हूँ यू नो किधर जाना चाहता हूँ तो विल इन अ वाइब्रेशन इनवर्स एवरी थिंग इज एनर्जी और हर वाइब्रेशन अट्रैक्ट मोर ऑफ इट्स ओन काइंड जिस तरह की एनर्जी होगी उसी को वो ग्रेविटेट करेगी तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर हम अपनी वाइब्रेशन चेंज नहीं करते ना तो गरीबी और गरीबी को अट्रैक्ट करेगी बीमारी और बीमारी को अट्रैक्ट करेगी पुअर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट मोर ऑफ द सेम इसको हम मोर ऑफ़ द सेम कहते हैं कि वही चीज़ चल रहा है वही साइकिल चल रही है जैसे कई बार ये सवाल पैदा होता है ना कि गरीब गरीब क्यों रहते हैं या अमीर अमीर क्यों होते चले जाते हैं तो यहाँ पे इस थॉट प्रोसेस का बड़ा योगदान है इस थॉट प्रोसेस का कि आप कृप ही कर रहे हो क्या नहीं नहीं हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही रहेगी नो या लिटरली आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हो मेहनत कर रहे हो दिमाग खोल के चीजों को देख पा रहे हो कलर्ड uh, ग्लासेस से नहीं देख रहे तो वो सारे आस्पेक्ट की बात है यहां पे एंड द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट स्टेप टू स्टेबिलाईजिंग एंड इंक्रीजिंगल मैच फॉर द थिंग मतलब जो, जो जिसको कहते ना कि फर्स्ट डिजर्व देर फर्स्ट डिजर्व दें डिजायर ये बात भी कही गई कि पहले उसके लिए डिजर्व करो तब डिजायर करो बैठे बैठे मुझे ये चाहिए तुम लिटरली उसकी पात्रता रखते हो क्या इसीलिए पात्रता पे हमेशा से जोर दिया गया है योग्यता है क्या उसके लिए अगर मिल भी जाएगा तो क्या संभाल पाओगे क्या जैसे बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है वो संभाल नहीं पाता बिकॉज उनके अंदर वो योग्यता नहीं है राइट वो विद्या के लिए जो तो पूरा श्लोक है ना विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात धनम आपनोति धनमात् ततः सुखम तो जो पात्रता से धन की प्राप्ति होती है योग्यता से कि वो आपकी योग्यता के बल पे वो धन आपने अर्जित किया है वो धन आपको सुख प्रदान करता है अगर धन मिल भी गया और आप नालायक हैं आप में योग्यता और पात्रता नहीं है तो वो मिला हुआ धन भी बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है भरपूर उदाहरण है हमारे आसपास और धन मैं लिटरल सेंस में नहीं कह रहा किसी भी तरीके से कोई चीज अगर आपको मिली है प्लेट में सजा करके लेकिन और वो पिछली जनरेशन के जो हमारे पूर्वज हैं उनकी मेहनत से मिली है लेकिन आप में वो योग्यता डेवलप नहीं हो पाई इसीलिए वो भी कहा गया ना कि पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत तो का धन संचय अगर सपूत है तो वो खुद धन बना लेगा उसके लिए क्या जरूरत है और कपूत है तो भी क्या कर लोगे संचय करके वो बर्बाद कर देगा और टोटल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंट ऑफ द इज दर द हाउ नाउ इज द ग्राउंड जीरो ऑफ एनी मैनिफेस्टेशन यानी जिस सिचुएशन में हो ना उसको uh, इसका क्या मतलब है उस सिचुएशन को नकारो मत हम एक्सेप्ट नहीं करते पूरी तरीके से करंट स्टेट जो मेरा है जो है मेरे पास और अभी जिस हालत में हूं उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो वो ग्राउंड जीरो है वहीं से काम शुरू होगा जैसे जब बैच की भी स्टार्टिंग होती कल जैसे पहला दिन था आज ग्रामर फाउंडेशन की शुरुआत होगी अभी साढ़े नौ बजे की क्लास में नाइन थर्टी पे तो पहले दिन ही वो क्या कोशिश रहती कि मेरा मैं कहाँ पे हूँ मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ जाना और उसके बीच का गैप क्या है तो जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यह नहीं समझेंगे कि मुझे जहां जाना है उसके लिए मुझे कितना अपने आप को राइज करना पड़ेगा तब तक फिर वो कहानी पूरी नहीं होगी जब तक बातें हवा में रहती हैं एंड द एक्सेप्टेंस इज नेवर एट द थॉट लेवल और सुपरफिशियल ये विचार पे नहीं यहां हां मैं एक्सेप्ट करता हूं <laughs> वो थोड़ी गहराई में आना चाहिए द एक्सेप्टेंस हैज टू बी टोटल एंड डीप विद नॉट एन आयोटा ऑफ इल फीलिंग और समथिंग एल्स देन एग्जिस्ट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट and it is here at this step of total unconditional acceptance with every cell of our body of the situation that most of us fail as far as using the law of attraction is concerned इसी को law of attraction कहते हैं book भी लिखी गई है आप जानते हैं इसी नाम से तो वही कह रहा है कि जो आपका एक्सेप्टेंस है जो पिछले पैराग्राफ का एंड जहां पे हुआ कि वो सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए और डीप होना चाहिए विद नॉट एन आउट ऑफ इल फीलिंग उसमें कोई इल फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी आयोटा का मतलब क्या होता है बहुत थोड़ा सा एन आयोटा ऑफ इल फीलिंग आर वॉन्टिंग समथिंग एल्स देन वॉट एग्जिस्ट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड इट इज हियर एट दिस स्टेप ऑफ टोटल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस विद एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी ऑफ दिस सिचुएशन दैट मोस्ट ऑफ अस फेल एज फार एज यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कंसर्न तो हम पूरी तरीके से उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होते हैं अरे इस इन्वॉल्वमेंट में मैं बार बार बात करता हूँ कि अगेन छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल कि छोटा बच्चा उस मोमेंट में हमेशा पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है हंस रहा होता है तो भी पूरा हंस रहा होता है रो रहा होता है तो भी पूरी तरीके से रो रहा होता है जिस काम में लगा उस काम में पूरी तरीके से होता है तो वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि वह एक्सेप्टेंस भी पूरी तरीके से होनी चाहिए उसमें कोई नकार नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं जब पहले एक्सेप्ट करूंगा तभी उसके ऊपर काम कर पाऊंगा अगर मैं नकारता रहूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा अब मुझे पता है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है आई हैव दिस वीकनेस हर इंसान के अंदर होती है तो आप हम पूरी जिंदगी उस वीकनेस को टालने की कोशिश करते हैं कि लोगों को ना पता लग जाए आपको तो पता है आपको तो पता है तो जो एनर्जी आप उस वीकनेस को टालने में खर्च कर रहे हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग इज अग फोबिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इन आवर स्कूल कॉलेज वेन एवर वी गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि मुझे बोलना पड़ेगा बहुत सारे लोग गर्दन नीचे कर लेते हैं पैसिव हो जाते हैं वहां से पतली गली से निकल जाते हैं कि मौका मुझे मिले ना क्यों क्योंकि बोलने तो वही बात की यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ कंप्लीटली आप उसको जो है बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हो बट आपकी एनर्जी तो डाउन हो रही है आप कितना बुरा फील करते हो उस मोमेंट में जब आपको कहीं अपने आप को ही छुपाना पड़ता है आपको कितनी एक्टिंग करनी पड़ेगी देन अगर उसी कमी को मैं एक्सेप्ट कर लेता उस पर काम करने लग जाता तो आज मैं बहुत कंफर्टेबल हालत में होता तो ये उसी बात के बारे में यहाँ पे बात हो रही वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इफ वन परसेंट ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट इन एक्सेप्टेंस ऑफ द वॉट इज देखो वन परसेंट भी कह रहा है कि तुम नाइनटी नाइन परसेंट एक्सेप्ट बट वन परसेंट भी अगर नहीं कर रहे दैट वन परसेंट डिसहार्मोनीस इन आवर एनर्जी इज इनफ टू अपसेट द एपल कार्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉट वी डिजायर कैनॉट हैपन एट द नाइनटी नाइन परसेंट वो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट चाहिए ये नहीं कि मन बटा हुआ है नहीं नहीं थोड़ा सा तो है चलो थोड़ा सा ऐसा नहीं जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होगी क्योंकि तब जाकर के कंप्लीट एनर्जी वहां पे लगेगी क्योंकि जब एनर्जी ही इनकम्प्लीट है आपका इनपुट ही इनकम्प्लीट है तो फिर आउटपुट कभी कंप्लीट नहीं होगा इट कैन हैपन ओनली एट हंड्रेड परसेंट इट इट्स इधर देयर आर नॉट देर ऑफकोर्स प्रपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ आवर एक्सेप्टेंस आवर वाइब्रेशन डू चेंज एंड वी डू गेट न्यू रिजल्ट बट इट मे नॉट बी वॉट वी वॉन्ट वही कह रहा है मतलब

टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज पे जा करके इंजीनियरिंग करने का मौका मिला यू you नो know, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था नीट का एग्जाम क्लियर करके बट आप उस रैंक पर नहीं पहुँचे और आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा या जॉब आप किसी और सेक्टर में करना चाहते थे लेकिन कहीं और करना पड़ रहा है जॉब तो कर रहे हो ना लेकिन जो पूरी इच्छा थी वो नहीं पूरी हो रही है तो वही कह रहा है कि वो प्रोपोर्शनल होगा अगर फुल फोर्स में आपने चीज़ें डेडिकेट नहीं करी हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं रही है तो रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आप लिटरली डिज़ायर करते हो वॉट हैपन्स वन बी ऑफर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस इज दैट वी हैव जीरो रजिस्टेंस उस समय वही बात उस समय रजिस्टेंस ही जीरो तो फ्रिक्शन ही जीरो हो जाए जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी तो फिर गाड़ी तो फुल फोर्स में आगे जाएगी और अगर आपने कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो थोड़ा थोड़ा रजिस्टेंस पैदा करता रहेगा आपके मन के अंदर से वी डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी नेगेटिव एनर्जी टू द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट वॉट इट वॉट इज ऑफरिंग रजिस्टेंस इन दम ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस इज लाइक हैविंग अ बोल विद अ कॉन्वेक्स सरफेस कितनी अच्छी एनॉलोजी है ये कि भाई जब आप रजिस्टेंस ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस वही भाई जो कि भाई, भाई आप सिचुएशन को हंड्रेड परसेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास कोई बोल हो और वो कॉन्वेक्स सर्फेस का हो तो कॉन्वेक्स सर्फेस का होगा तो वो कंटेन कैसे करेगा कुछ तो बोल है तो बट उल्टा है मामला तो वो कुछ कंटेन नहीं कर पाएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिसीव द ड्रॉपिंग ऑल रेजिस्टेंस एंड बिकमिंग टोटली एक्सेप्टिंग द शेप ऑफ अवर रिसीविंग बोल फ्रॉम कॉन्वेक्स टू फ्लैट इफ नॉट कॉन्केव दस मेकिंग इट इजियर फॉर द यूनिवर्स टू फिलफिल तो देखो सारे शेप आ गए पहले आपका बोल जो है वो कॉन्वेक्स है इसमें कुछ नहीं आएगा तो कह रहा है कि कम से कम अगर कॉन्केव नहीं है तो फ्लैट तो हो जाए यार फ्लैट तो हो जाए तो वो कोशिश करो uh Accepting changes the shape our receiving bowl from convex to flat, if not concave, thus making it easier for the universe to fulfill our desires. From a point of total acceptance where you are relaxed and stress-free, new ideas, new thoughts, new people, new opportunities start moving towards you. Right? जब total acceptance वाली स्थिति में आते हैं ना, तो अब आप literally relaxed हो जाते हैं कि अब तो जैसा है वैसा है, accept कर लिया अभी, अभी न तो अपने आप से छुपाना है ना दुनिया से छुपाना है, तो अब जो करना है वो करेंगे। ठीक है कौन सी फिल्म का डायलॉग था वो बहुत बुरा हो गया हाँ वो जब भी मेट का ना अब अच्छा ही होगा वो जो स्पीच होती है शाहिद कपूर की जब वो अपने हिमाचल वाले ट्रिप से वापस अपनी कंपनी में पहुँचते हैं राइट तो जो स्पीच देते हैं आई थिंक इंटरवल के बाद का सीन है वो और वहीं पे ट्रांजिशन भी हो रहा है उस फिल्म के अंदर तो उसमें होता है कि बस अब तो बहुत अच्छा होगा सारी कंपनी हो, कंपनी के बारे में बुरी बातें करने के बाद अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा तो वही वाली बात है कि जब आपने लोवेस्ट बॉटम टच कर लिया तो वहां से उठने की ही तो बारी है लेकिन वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस हो गया अभी पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस एंड फ्रॉम देयर योर जर्नी towards वॉट यू desire becomes ईजी एंड स्मूथ बिकॉज अब आप भी जो है बड़े शांत हैं रिलैक्स हैं, न्यू आइडियाज़ न्यू थॉट्स न्यू पीपल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट मूविंग टूवर्स यू एंड सिंस यू आर नॉट क्रेविंग एंड वॉन्टिंग यू टेन टू मोर अवेयर एंड रेडी टू वेलकम दीज न्यू थॉट्स एंड पीपल एंड फ्राम देयर योर जर्नी टूवर्स वॉट यू डिजायर बिकम्स ईजी एंड स्मूथ अफकोर्स ऑल दिस जस्ट थियरी कह रहे थियरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है द ओनली थ्रू मेजर ऑफ वॉट एवर हैज बीन स्पोकन टिल नाउ इज टू पुट इट आर टेस्ट एंड सी फोर्टी टू टेस्ट एंड सी फॉर योर तो ठीक है इस तरह की चीजें जो हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होती हैं ये अच्छी तो लगती हैं बट पॉइंट इज वॉट कि आप उसको कितना प्रैक्टिस पॉइंट में लेके आ पा रहे हैं इट्स नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज बींग ह्यूम वी आर प्रोग्राम्ड इन अ सर्टन वे बचपन से लेकर के इस उम्र तक एक सर्टन प्रोग्रामिंग होती है हमारी और वो प्रोग्रामिंग एक्चुअली छुपाने की है जो यहाँ पे बात हो रही है उसके उलट है ना वो तो मास्किंग uh, की किस तरह से ड्रामे करने हैं उसको लेकर के चीजें होती हैं तो ऐसे को फिर कंप्लीट एक्सेप्टेंस वो बड़ा मुश्किल होता है इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि भाई ऑनेस्टी ना सबसे पहले खुद के साथ हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए कि और खुद के साथ हंड्रेड परसेंट ऑनेस्टी का मतलब यही है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ हंड्रेड परसेंट उसमें कुछ खेलने की कोशिश मत करो दूसरे के साथ कितना ऑनेस्ट रहना दैट इज योर कॉल दैट इज योर इक्वेशन विद दैट पर्सन बट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम पर्सन एक्चुअली उस इंसान से कहानी शुरू होती है तो अगर मैं खुद को यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा तो इसीलिए खुद का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करेंगे तभी सुधार की गुंजाइश होगी नहीं तो वही बात पूरी जिंदगी एनर्जी जाती रहेगी छुपाने में जबकि एक बार खर्च करनी थी एनर्जी अपने आप को एक्सेप्ट करने में और बेहतर बनाने में तो च्वाइस हमारी है कि पूरी जिंदगी डरे सहमे डिफिडेंट रह गुजारें कि कहीं यार ऐसी सिचुएशन आई ना जाए जो मैं फेस नहीं करना चाहता आएगी तो मैं बेचैन परेशान नर्वस हो जाऊंगा या जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करिए उन पर काम करिए और अपना बेहतर वर्जन बनिए चलिए